हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बाय। पिछले लेक्चर में बेटा सेल से रिलेटेड डिस्कशन किए थे, सेल की डिस्कवरी कैसे हुआ था, सेल थ्योरी क्या था, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था बेटा, कैसे सेल थ्योरी ठीक है एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया था कि कैसे न्यू सेल फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में टाइप ऑफ सेल पर भी बात किया था। ठीक है, आज फिर से वही बेटा टाइप ऑफ सेल। सेल्स की अगर हम बात करें बेटा तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा आपका बेटा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलर्स होते हैं, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सेल्स बेटा जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, ऐसे सेल्स को बेटा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। कई सारे एग्जांपल भी हमने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा आपका बेटा पीपीएलओ, और लास्ट में एक और एग्जांपल बेटा माइकोप्लाज्मा। ये चार एग्जांपल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ठीक है याद करने हैं। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ एंड माइकोप्लाज्मा बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें बेटा ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ये बेटा यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर हो सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें बेटा तो यूकैरियोटिक सेल्स में कई सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं, जैसे बेटा आपके प्रोटिस्ट, आपके प्लांट सेल, आपके एनिमल सेल और फंगी सेल भी आपके यूकैरियोटिक सेल के ही एग्जांपल है। तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा आपके प्रोटिस्टा भी आते हैं, प्लांट सेल आते हैं, एनिमल सेल आते हैं और फंगी आते हैं। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिसेलर की बात करें तो एग्जांपल में अमीबा ठीक है, पैरामीशियम आएंगे। मल्टीसेलर्स की अगर हम बात करें बेटा तो मल्टीसेलर में आपके प्लांट आएंगे और एनिमल सेल्स आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेटा ये ठीक है डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलर होते हैं ठीक है, एग्जांपल में आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएल और माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें बेटा तो इसमें आपके यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों होते हैं ठीक है। यूनिसेलर में आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इसके अलावा मल्टीसेलर में आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल आ गए ठीक है। हमने एक साथ आपको ठीक है यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बताया, प्रोटिस्टा भी इंक्लूड कर लीजिए, प्लांट इंक्लूड कर लीजिए, इसके अलावा एनिमल सेल और फंगी सेल्स। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है कि जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में वो हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो पहले ठीक है पिछले लेक्चर में हमने बताया था बेटा प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। और कैरियन या कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल बेटा जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, तो वो बेटा आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यू का मतलब होता है ट्रू, राइट भी होता है, और कैरियोटिक का मतलब है कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में वो आपको बेटा यहां पर ठीक है याद करने हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा जो पहला डिफरेंस है ठीक है ये प्रिमिटिव एंड इनकंप्लीट सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, इन्हें इनकंप्लीट सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है और यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लें तो यूकैरियोटिक सेल बेटा एडवांस होते हैं और कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। दूसरा जो बेटा डिफरेंसेस हैं, प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात कर लें तो ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जांपल में आपके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल थे।
यहां अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें बेटा, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है बेटा, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियॉइड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बेटा ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहां पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, और यहां हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड कहते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। चौथे डिफरेंस की अगर हम बात कर लें, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम, ये सब बेटा एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर लें, तो यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि आपका गॉल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ठीक है, ईआर है, ये सब पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर लें, तो वहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। पांचवा डिफरेंस है बेटा यहां पर, राइबोसोम आर स्मॉलर एंड स्कैटर रैंडमली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाएंगे, छोटे होंगे बेटा और इधर इधर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होंगे। यहां पर राइबोसोम बड़े होते हैं, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, ठीक, तो राइबोसोम बेटा यहां पर स्मॉलर होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहां पर बड़े होंगे, ठीक। यहां जो राइबोसोम होगा बेटा वो 70S राइबोसोम होगा, और यहां पर यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो 80S राइबोसोम होगा। हालांकि यूकेरियोटिक सेल में बेटा 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक है, तो यूकेरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हमेशा 70S राइबोसोम पाया जाता है। छठा डिफरेंस बेटा है, द प्रोकैरियोट्स इंक्लूड आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, दोबारा बेटा हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं पीपीएलओ, और लास्ट बेटा माइकोप्लाज्मा। यूकेरियोटिक इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को बेटा हम यूकेरियोट्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो कहां इंक्लूड किया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को हम यूकेरियोट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यूकेरियोट्स में बेटा ज्यादातर आपके प्लांट्स, एनिमल, फंगी और प्रोटिस्ट आते हैं। एक टर्म आया बेटा प्रोटिस्ट, ठीक है, तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट की बात कर लें तो एक टर्म आप अपने नोटबुक में या बुक में बेटा इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है, तो ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो जितने भी बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनेल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक। तो ये आपका मेजर डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जल्दी-जल्दी बेटा मैं फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि लाइसोसोम या गॉल्जी बॉडी ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, ठीक है, कई सारे आपको एग्जांपल याद करने हैं प्रोकैरियोट में, जैसे आपके बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। यूकेरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये सही सही सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, 70 और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। एग्जांपल में आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट और ठीक है फंगी सेल्स। प्रोटिस्ट क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनेल जो यूनिसेलुलर हो और यूकेरियोटिक सेल के बने हो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला बेटा आपका जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, तो किसी भी बेटा सेल के स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो वो कई सारे ठीक है
कंटेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल फॉर्म बाय द थ्री मेजर पार्ट, किसी भी सेल्स की बात करें बेटा तो तीन बड़े पार्ट से मिलकर बने होते हैं। उसमें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद बेटा सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और उसी सेल में बेटा आपका न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो सेल का स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो किसी भी सेल्स की बात करें तो हमें वहां तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, ठीक है, और न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अलावा सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगा, ठीक है, वो सेल वॉल होगा। तो पहले बेटा हमें प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, पता होना चाहिए। ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें बेटा, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसके बाद बेटा सेल वॉल के बाद अगला एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन लाइक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो भी कुछ मैटर पाया जाता है, जो भी कुछ भरा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो मैटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी बेटा मैटर भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, इस सेंट्रल पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पार्ट पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म का बेटा जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस कह रहा हूं बेटा जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहां लिख दे रहे हैं। तो आपको बेटा प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा वो क्या होगा? सेल वॉल होगा, ठीक है। सेल वॉल के बाद बेटा अगला जो मेम्ब्रेन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जो भी मैटर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का बेटा जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट पाया जाता है बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में बेटा कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे कि आप कहोगे बेटा वैक्यूल, ठीक है, लाइसोसोम पाया जाता है, गॉल्जी बॉडी पाया जाता है, ईआर पाया जाता है, एक्सेट्रा। अब एनिमल सेल्स पर आते हैं। एनिमल सेल की बात करें बेटा तो एनिमल सेल में सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ भरा होगा बेटा फिर उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म का जो सेंट्रल पोर्शन होगा उसे फिर अगेन क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होगा उसे दोबारा हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में बेटा आपके कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकांड्रिया हो गया, ठीक है, गॉल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सारे बेटा आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो सेल के स्ट्रक्चर में बेटा हम लोग ज्यादातर तीन चीजें पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लेकिन अगर प्लांट सेल्स हो तो प्लांट सेल में बेटा हमें सबसे आउटर मोस्ट क्या पढ़ना पड़ता है? सेल वॉल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।